अब हमारे पास अगर कोई इनकम आ रही है क्लब हाउस, अगर हम रेंट पे दे रहे हैं तो वो जो रेंट रिसीव हो रहा है हमारा, वो इधर आना चाहिए कहाँ पे, क्लब की इनकम स्टेटमेंट में। सही, जो रेंट रिसीव हो रहा है। कह रहा है स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यार इसके लिए आप चाहे तो अप्पा अकाउंट बनाए, चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सबसे पहले आप बैंक लेंगे और बैंक क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इससे स्टार्ट करेंगे बैंक। अच्छा मुझे बताएं ईयर एंड पे क्या होता है, अक्रूड जो है ओइंग होता है ना, अक्रूड ईयर एंड पे अक्रूड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसमें एंड ऑफ द ईयर जो अक्रूड है वो प्लस कर दें, और अगर एंडिंग अक्रूड प्लस होगा तो स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12,000 में 800 ऐड कर लें, 12,800, जिसमें से 1,200 जो है वो क्या कर दें, माइनस कर दें। 12,800 माइनस 1,200 तो ये आना चाहिए कितना आपका, ये आना चाहिए 11,600, ये आना चाहिए। चाहे आप इसको जो है वो अप्पा अकाउंट बनाकर कर लें, याद सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी हमने बनाया था, APP क्या एंट्री बनाएंगे भाई, बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, और ईयर एंड पे जितना बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैंक कितना है भाई, यहाँ पे बैंक है 12,000, ये हो गया बैंक। और मुझे बताएं ओइंग है, ओइंग स्टार्ट ऑफ द ईयर अक्रूड कितना है, 1,200 ओपनिंग अक्रूड, और एंड ऑफ द ईयर अक्रूड कितना है, 800। तो 12,800 में से 1,200 माइनस कर दें तो बचेगा कितना, बचेगा 11,600। 11,600 आ रहा है, 11,800 आ रहा है, 11,600 आना चाहिए, 12,800 माइनस 1,200, 11,600 आना चाहिए। उमर जाहिद आंसर है ए, 11,600।